केवल एक दिन की भी बस वर्दी पहना दो, बस हमारे लिए तो बस वही खुश नसीब की बात है। ये भारत के युवा हैं, कोई सिर्फ एक दिन के लिए सेना की वर्दी पहनने के लिए बेसब्र है, तो कोई राष्ट्र की रक्षा करते हुए स्वयं बलिदानी हो जाने की अभिलाषा रखता है। ये कहानियां हैं जोश और संकल्पों से भरे उन युवाओं की जो अग्निवीर भर्ती के लिए भोपाल आए हैं। तो हाउ इज द जोश? हाय सर। आप अग्निवीर भर्ती के बारे में क्या सोचते हैं, क्या जोश और जज्बा लेकर आप यहाँ आए? सर, मैं अग्निवीर भर्ती के बारे में बहुत अच्छा सोचता हूँ। नया उम्र का फौजी बहुत काबिल होता है, हर चीज़ में मेंटली स्ट्रांग होता है, फिजिकली स्ट्रांग होता है। और जो हमारे मतलब अब जो मनी बचेगी, एक्स्ट्रा मनी बचेगी हमारी सेना, उसने का टेक्निकल हो जाएगी। अभी हमारा देश का फौजी एक राइफल और वर्दी में होता था, अब उसके पास बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट सब होगा। और ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा करा। जो कर सकता है आगे प्रदर्शन करे, कमांडो में कर सकता है और आगे अपने बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। अग्निवीर भर्ती योजना में 4 साल के लिए आपको देश सेवा का मौका मिलेगा। आप चाहेंगे कि इसके बाद और आगे तक आप अपनी सर्विस पूरी करें, सेना में जाकर और देश की सेवा और लॉन्ग टाइम तक करें? जी सर, मैं तो चाहूँगा मेरी ज़िंदगी इसी में गुजर जाए, मैं शहीद हूँ इसी में। मैं चाहूँगा मतलब आर्मी सबसे डिफरेंट होती है सर, उसके रूल्स कायदे कानून सबसे अलग होते हैं। आर्मी की बात, अपने इंडियन आर्मी की बात बहुत अलग है सर, बेस्ट आर्मी है इंडियन आर्मी। भोपाल के लाल परेड मैदान पर 27 अक्टूबर से 6 नवंबर तक सेना ने अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित की। इस भर्ती रैली में प्रदेश के 9 जिलों से 2423 अग्निवीरों का शारीरिक परीक्षा में चयन किया गया। भर्ती रैली में भोपाल समेत छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा, नर्मदापुरम, विदिशा, रायसेन, सीहोर और राजगढ़ जिलों के 44,937 युवाओं को बुलाया गया। जैसे कि मैंने बताया कि अग्निवीर भर्ती योजना एक प्रकार से बहुत अच्छी है युवाओं को अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या तो जो उम्र में लोग फालतू काम करके अपना टाइम वेस्ट करते हैं उसमें अग्निवीर में जाके काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और अपने देश की सेवा कर सकते हैं। इसको देश सेवा के लिए आप कितना ज़रूरी मानते हैं, फौज के लिए कितना ज़रूरी? देश सेवा के लिए तो 100% है। और जिस हिसाब से कहे कि देश सेवा आज के ज़माने में युवा जो पीढ़ी है वो देश की सेवा आराम से कर सकती है, और देश सेवा के लिए युवाओं का जोश और जज्बा ज़्यादा है, तो उस हिसाब से अग्निवीर जो 4 साल की है वो मेरे हिसाब से बहुत सही है। एक बात तो सच है कि युवाओं में देश की सेवा और रक्षा के लिए भारतीय सेना में जाने की उमंग और उत्साह बहुत अधिक है।